फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, मतलब जब एक देश का बिजनेसमैन दूसरे देश के बिजनेसमैन के साथ व्यापार में इन्वॉल्व हो, जितने भी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर है जो वो हटा दिए जाए, मतलब जब एक हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ लिंक हो, तो वो हमारा ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिंक करना इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द अदर कंट्री। ठीक है, किसी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जब हम लिंक करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फ्री ट्रेड होता है, फ्री मोबिलिटी होती है कैपिटल की, लेबर वगैरह की। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन होता है ना, वो इम्प्लाई करता है कि ओपनिंग, मतलब एक इकोनॉमी को खोल देना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो भी हर्डल्स वगैरह ऑब्स्टिकल्स वगैरह उनको हटाना, जो भी एमएनसीज वगैरह, एमएनसीज क्या होते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। जब एक जो किसी देश की कंपनी है वो बहुत सारे देशों में अपना व्यापार कर रही है, तो उसे मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारी हेल्प करता है एक टाइप से कहें तो। अगर नॉर्मल सेंस में देखो तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसे इंटीग्रेट किया जाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि भाई जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको हटाना, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल को अलाउ करना कि एक देश की कैपिटल दूसरे देश में है, दूसरे की उस दूसरे देश में जाए, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो कि मतलब जब भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, जैसे कोई भी दूसरे देश में अपनी यूनिट वगैरह एस्टेब्लिश करता है, तो किससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर हो। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन कहता है। जैसे कुछ कुछ ऑथर्स ने अपनी डेफिनेशंस दी हैं लोगों ने, तो देखो इसने देखा है, ग्लोबलाइजेशन डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसा प्रोसेस जो एसोसिएटेड है इंक्रीज करना ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड डीपिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब जो भी इंटीग्रेशन वगैरह लिंक वगैरह है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में। अब इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं। फीचर्स क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, इंटीग्रेट करना डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ, ओपन अप ऑफ द इकोनॉमी टू फॉरेन कैपिटल के लिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी की और फॉरेन कंपटीशन के लिए हमारी इकोनॉमी को खोल देना, फ्री वर्ल्ड ट्रेड हो, लिबरलाइज्ड अप्रोच, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा देना, एक्सपेंशन करना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। फिर आते हैं इसके कुछ करेक्टरिटीज, इसके एलिमेंट्स बोल दो, इसके कंपोनेंट्स बोल दो, किसके, ग्लोबलाइजेशन के। तो वही फ्री ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब लेबराइज पॉलिसी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जितने भी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है ताकि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग देशों में, फ्री मूवमेंट हो कैपिटल का। ग्लोबलाइजेशन इंप्लाई करता है कि ओपन कर देना डोमेस्टिक इकोनॉमी को फॉरेन कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जितने भी हर्डल्स वगैरह उनको हटा देना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की एंट्री के लिए। इससे क्या होगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड कैपिटल का वो भी बिना रिस्ट्रिक्शन के होगा, अच्छे से होगा, बिना कोई मतलब कह सकते हो हर्डल के। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, लेबर मतलब एक देश के लोग दूसरे देश में जा पाए काम ढूंढने के लिए और दूसरे देश के लोग हमारे देश में आ पाए। ग्लोबलाइजेशन इंप्लाई करता है फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर की डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में। इमिग्रेशन मतलब जब दूसरे देश के हमारे देश में होते हैं, और एमिग्रेशन होता है जब हमारे देश के लोग दूसरे देश में चले जाते हैं। तो ये लिबराइज होने चाहिए, हायरिंग ऑफ फॉरेन टेक्नीशियंस, टेक्नोक्राट, स्किल लेबर्स, ये इजी हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं इसकी स्ट्रेटजीज की, भाई ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने के लिए या फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। तो पहला होता है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग कहता है कि मोस्ट ट्रेडिशनल वे है ग्लोबलाइजेशन का, मतलब भाई एक्सपोर्टिंग में हम करते क्या है, भाई कि भाई हम हमारे सामान को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो नॉर्मली तो पहले स्टार्टिंग किससे की जाती है, एक देश के साथ एक्सपोर्टिंग से स्टार्ट की जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सारे नेशंस के साथ एक्सपोर्टिंग की जाती है। एक्सपोर्टिंग किन देशों के लिए यूजफुल होती है, जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, मतलब जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उतना उसकी देश की कैपेसिटी नहीं, मतलब उतना यूज़ नहीं हो पा रहा, तो वो क्या कर सकता है, उस सामान को दूसरे देश में सेल कर सकता है, दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, वो एडवांटेजेस ले सकता है अपने देश में, चीप लेबर की, अबेंडेंट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी रॉ मेटेरियल की, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस वगैरह, तो ये एक्सपोर्टिंग होता है। दूसरा होता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग तो वही होती है जब किसी को राइट ग्रांट कर दिया जाता है, मतलब भाई एक देश की जो कंट्री होती है दूसरे देश की कंट्री को अलाउ कर देती है कि भाई तू है ना मेरी जो भी टेक्निकल नो पैटेंट है, ट्रेडमार्क वगैरह, कॉपीराइट वगैरह है, उसको यूज़ कर सकती है।
ठीक है, इसके बदले वो क्या करते हैं, कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं, मतलब रॉयल्टी वगैरह 5 से 8%। फ्रेंचाइजी होता है कि एक प्रॉपर मैनर में काम करने की परमिशन दे देना, मतलब जैसे भाई खुद के ब्रांड नेम के अंतर्गत प्रोडक्ट वगैरह को बेचने की परमिशन दे देना, तो वो हमारा फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत एक स्पेसिफाइड टाइम तक वो ऐसा करती है, लाइसेंसिंग में एक स्पेसिफाइड एरिया में वो सब चलता है। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है, आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है कि जो एक देश की बिजनेस यूनिट होती है वो दूसरे देश की बिजनेस यूनिट के साथ एग्रीमेंट कर लेती है, मतलब जैसे भाई वो वहाँ पे खुद की प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश नहीं करती, बल्कि वहाँ उस देश की जो भाई कंपनी वगैरह होती है, उस देश में जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और उस देश के लोग जो होते हैं, उस देश के जो बिजनेसमैन होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बल्कि वो लेकिन है ना वो क्या करती है, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है उसको अपने मार्केटिंग पॉलिसीज के अंतर्गत बेचती है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इससे वो अलग अलग देशों में एंट्री ले सकते हैं बिना अपने बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश किए, और है ना आसानी से एग्जिस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उसने खुद का कोई भी प्रोडक्शन प्लांट वगैरह वहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं किया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक जो दूसरे देश का बिजनेसमैन होता है वो तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और जो पेरेंट नेशन का जो भी बिजनेसमैन होता है वो उसको अपने नाम के अंतर्गत, अपने ब्रांड के अंतर्गत बेचता है। ठीक है, फिर आता है ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर में मतलब जब दो बिजनेस यूनिट मिल जाती हैं, ठीक है, और बाद में जब प्रॉफिट वगैरह होता है खुद में शेयर करती है, तो ये कॉमन स्ट्रेटजी है फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने के लिए। ज्वाइंट वेंचर में जो फॉरेन पार्टनर्स होते हैं ना वो अरेंजमेंट करते हैं लोकल यूनिट्स ऑफ अदर कंट्री के साथ, मतलब एक देश हो गया फॉरेन और एक हो गया हमारा देश डोमेस्टिक लेवल, उन दोनों के एक एक बिजनेसमैन ने खुद मिलकर पार्टनरशिप कर लिया, अब वो कोई बिजनेस वगैरह चला रहा है। इससे क्या होगा, देखो लोकल यूनिट्स है उसको अपने डोमेस्टिक कंडीशंस के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो सब एस्टेब्लिश कर रखा होगा, और वो चीप लेबर मतलब प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। लेकिन जो हमारा फॉरेन पार्टनर होता है भाई, लगा वो डेवलप्ड नेशन से है तो अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, तो इस तरीके से वो ज्वाइंट वेंचर करते हैं मिलकर, कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है, और लास्ट में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर कर लिया जाता है फॉरेन पार्टनर के द्वारा और लोकल यूनिट के द्वारा। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, इसमें जो पेरेंट इंटरप्राइज होता है ना एक देश का, वो एक मैनेजमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश करता है, और ये जो मैनेजमेंट एजेंसीज होती है ना इनकी हेल्प से जो बिजनेस यूनिट होती है अदर नेशंस की, उनको मैनेज किया जाता है बिना कोई कैपिटल वगैरह या ओनरशिप वगैरह में शेयर लिए हुए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हुए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट इंटरप्राइज है वो सिंपली क्या करती है भाई, अपनी मैनेजरियल एक्सपर्टाइज को प्रोवाइड करती है दूसरे देश की बिजनेस यूनिट को, ठीक है, मतलब अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करती है, उसकी हेल्प वगैरह करती है, इसके बदले वो कुछ फीस वगैरह चार्ज करती है, लमसम फीस भी चार्ज कर सकती है या प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज। होल्डिंग ऑन सब्सिडरी होता है कि मतलब दूसरे देश में एक सब्सिडरी कंपनी एस्टैब्लिश करना, ठीक है, तो जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो लिया ऑन होती हैं, और किसकी होती है, पेरेंट कंपनी की होती है, तो MNC ज़्यादातर भाई इस रूट को भी प्रेफर करते हैं, ताकि अगर वो अपने भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वगैरह हो रही है उनके ऊपर अगर वो कंप्लीट कंट्रोल वगैरह एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग एक्सपोर्टिंग की जगह वो किसको लेके चलती हैं, होल्डिंग ऑन सब्सिडरीज को। फिर आते हैं असेंबली कौन, इसमें क्या होता है कि वो फिनिश गुड्स वगैरह को एक्सपोर्ट करने, मतलब फिनिश गुड्स वगैरह को दूसरे देश से मंगवाने की बजाय, इंपोर्ट करने के बजाय, वहाँ से ना जो भी भाई जैसे गाड़ी बना रहे हैं तो गाड़ी के जितने पुर्जे वगैरह हैं, जो भी उसे रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए या जो भी उसे मतलब उसके कंपोनेंट्स वगैरह चाहिए उनको इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन पर ट्रेड वगैरह जो टैरिफ वगैरह बैरियर वगैरह होते हैं वो कम होते हैं कंपैरिजन टू जो फिनिश गुड्स वगैरह अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो उन पर ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये सब लगती है। तो ये बोल रखा है कि फॉरेन पार्टनर के कंपोनेंट्स वगैरह पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं दूसरे देश में, उसको असेंबल वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो जो डेवलप नेशन होते हैं वहाँ से के कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं और उनको डेवलपिंग नेशंस में असेंबल वगैरह किया जाता है लास्ट में। इससे क्या हो जाता है कि हमारे देश में लगा लो चीफ लेबर है तो हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसको असेंबल वगैरह कर सकते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को हम खुद के ब्रांड नेम से दूसरे देश में भी बेच सकते हैं और हमारे देश में बेच सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है कि जब जैसे इसमें ये होता है कि हमारे देश की बिजनेस यूनिट है और दूसरे भी देश की बिजनेस यूनिट है एक दूसरे के साथ मिल जाए, मर्जर कर ले, मतलब ये कब होता है जब उन्हें कंपटीशन वगैरह को खत्म करना हो, जब वो सेम ही बिजनेस एक्टिविटी वगैरह में लगी हो। एक्विजिशन होता है जब एक देश की बिजनेस यूनिट जो बहुत ज़्यादा बड़ी है वो किसी दूसरे देश की स्मॉलर यूनिट को एक्वायर कर ले, तो वो एक्विजिशन होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। फिर आता है थर्ड कंट्री रूट लोकेशन। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेटजी होती है ग्लोबलाइजेशन की वो यूज़ की जाती है ताकि वो एडवांटेजेस ले सके फ्रेंडली रिलेशन की। देखो भाई दो कंट्री है उनके बीच में अच्छे रिलेशन है, और किसी तीसरी कंट्री का एक कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब है और उसका दूसरी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन है, उसे तीसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था मतलब कुछ सामान वगैरह खरीदना था, तो वो उस फ्रेंडली रिलेशन कंट्री की हेल्प ले सकते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है इंडिया है और मॉरिशस में अच्छे रिलेशन है, टैक्स कंसेशन ट्रीटी वगैरह मिलती है,
तो कहता है कि जो एक दूसरी कंट्री है यूके यूएसए वगैरह, अगर इनको वहाँ का फ़ायदा लेना है तो वो क्या करेंगी, मॉरिशियस की हेल्प से वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी और वहाँ का जो भी टैक्स कंसेशन वगैरह उनका फ़ायदा लेंगे डायरेक्टली वो इंडिया में ना इन्वेस्ट करके। ठीक है, ये उस टाइम पे भी हेल्प करते हैं, लगा लो हमें किसी ऐसी कंट्री से कोई सामान वगैरह मंगवाना था लेकिन उस कंट्री के साथ हमारी लड़ाई हो रखी है या कोई भी अच्छे रिलेशन नहीं है, तो हम जो कंट्री उसके रिलेशन अच्छे हैं उस कंट्री के साथ तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं एज ए थर्ड कंट्री रूट लेयर लोकेशन के रूप में। फिर आते हैं हमारे फैक्टर को एसेंशियल कंडीशंस वगैरह, इनको हम इससे पहले जो पार्ट आता किया था हमने मोड्स ऑफ एंट्री वाला उसमें कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी तो उनसे आप इनको समझ सकते हैं, मैंने वहाँ पे इनको डिटेल में बताया और आप देख भी सकते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेजर्स अडॉप्टेड फॉर ग्लोबलाइजेशन इंडिया की, ग्लोबलाइजेशन के लिए इंडिया में कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए गए हम इनको पढ़ेंगे। जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ना वो 1991 में आए थे, जिनको हम जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से। इसने क्या क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया, MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह थी उनको इन्वाइट किया, उनके ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे एंट्री के लिए वो हटा दिए गए। तो क्या क्या मेजर्स लिए गए थे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, पहला तो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले लिमिट होती थी भाई कि किसी देश में हम कितने रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी कैपिटल वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने मेजर्स अडॉप्ट किए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। कई कई जगह तो ये 100% हो गई, जो फेरा था उसको हटा करके फेमा को लाया गया क्योंकि फेरा में कुछ कमियाँ थी। तो फेमा क्या था, फेमा 1991 में आया था, ये क्या करता था अमेंड करता था जो भी लॉ रिलेटेड थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज से। फिर बात आया पार्सल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, इंडियन रुपी मतलब इसको कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि भाई इंडियन रुपी देकर फॉरेन की जो करेंसी है ना उसको ले लेना, ऐसा किया गया था ताकि हम इजीली है ना वहाँ के सामान वगैरह को खरीद पाएँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की पेमेंट वगैरह कर पाएँ, रिमिटेंस वगैरह कर पाएँ। ठीक है, लेकिन ये कैपिटल ट्रांजेक्शन्स वगैरह को कवर करके नहीं चलता। फिर आता है लॉन्ग टर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे ना उसने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लिबरल बना दिया, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे उनको हटा दिया गया, इससे क्या हुआ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को इसने प्रमोट किया, मतलब अब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट वगैरह कर सकते थे किसी भी कंट्री में। टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर थे उनको हटा दिया गया, जो कस्टम ड्यूटी थी, जो टैरिफ वगैरह लगे हुए थे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उनको धीरे धीरे हटा दिया गया, जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स थे उनको लिया गया, मतलब बहुत सारे मेजर्स वगैरह लिए गए ताकि जो भी डिफिशिएट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको हटा दिया। डिफिशिएट का मतलब होता है जब इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट वो ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो। ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट किया गया, कंसेशनल लोन वगैरह दिए गए, टैक्स कंसेशन दिए गए। ठीक है, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह को, मतलब जो भी प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन थी वो इजी की गई, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा होता था पहले, लेकिन न्यू जो रिफॉर्म्स आए उसने इनको ईजी बना दिया। ठीक है, फ्रीडम टू रेपेट्रिएट, इसका मतलब ये होता है कि भाई अपने देश में वापस कोई सामान भेजना, पैसे भेजना, तो क्या होता था कि जो पुराना सिस्टम होता था उसके अंतर्गत ये फैसिलिटी नहीं मिलती थी, मतलब कोई भी इन्वेस्टर अपने देश में ना इनकम को वापस नहीं ले जा सकता था। लेकिन इस भाई इसके कारण वो क्या होते थे, डिस्ट्रैक्ट होते थे, मतलब वो इन्वेस्ट वगैरह करने की कम सोचते थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थे उनके ऊपर। लेकिन बाद में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उन्होंने इसकी परमिशन दे दी और वो आप अपने देश में पैसा ले जा सकते थे, इससे क्या हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी। फिर इंक्रीज इन फॉरेन टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट एग्रीमेंट, मतलब भाई फॉरेन टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट बढ़ा। पहले क्या होता था कि भाई दूसरे देश की टेक्नोलॉजी वगैरह की फ्रीडम नहीं होती थी, लेकिन जैसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए लिबरल इंपोर्ट वगैरह अलाउ कर दिया गया फॉरेन टेक्नोलॉजी का। जब अभी जो इंडियन बिजनेस यूनिट है ना वो फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में एंटर हो सकते थे, इजीली उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ कर सकते थे, इससे क्या हुआ अब उन्हें ना आरबी वगैरह से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले। सेटिंग अप जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जब दो एक देश की बिजनेस यूनिट दूसरे देश की बिजनेस यूनिट के साथ मिलकर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करे तो ये सिंपल और लिबरल हो गया। जो MRTP एक्ट था उसके जो भी रिस्ट्रिक्शन थे इसके लिए इसको हटा करके कंपटीशन एक्ट 2002 लाया। अब बात आती है MRTP एक्ट होता क्या है, तो MRTP एक्ट वो एक्ट होता है जो है ना मतलब एम्पावर्स करता है MRTP कमीशन को कि वो इंक्वायर कर सकते हैं मोनोपोलिस्टिक या रिस्ट्रिक्शन ट्रेड, मतलब भाई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वगैरह वाला जो ट्रेड था ना वो, तो इसी को हटा करके फिर कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया था ताकि लिबरल ट्रेड हो, जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करने में आसानी हो। ठीक है, लिबरलाइजेशन वही होता है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिलेटेड, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग, टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सबको हटा दिया जाए और टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर को हटाया जाए और प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन लाया जाए। प्राइवेटाइजेशन ये होता है कि मतलब पहले जो सेक्टर फिक्स थे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पब्लिक के लिए उनको उनके ऊपर अब है ना जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते थे अब वो भी इन्वेस्ट कर सकते थे एक टाइप से के। तो प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होते हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, मतलब उनको प्राइवेट एंटिटी के हाथ में, प्राइवेट ओनर्स के हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि जब ये न्यू रिफॉर्म्स आए थे ना तो 17 से घटकर 2 पब्लिक सेक्टर बच गए थे सिर्फ। ठीक है, फिर आया हमारा इसने क्या क्या
सेटिंग अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया। इस बोर्ड ने क्या किया, अरेंज की कॉन्फ्रेंस वगैरह फॉरेन नेशंस में और अट्रैक्ट किया फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब बात आती है कि ये फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये क्या है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है, जो क्या करती है कि रिमिट करती है, रिकंसिडर करती है, रिकमेंड करती है एफडीआई वगैरह को, मतलब कि जो भी ऑटोमेटिक रूट से जो भी एफडीआई वगैरह नहीं आई है उसको रिकमेंड करना, उसको कंसीडर करना, उसमें छूट वगैरह देने में हेल्प करती है, ठीक है। ये 1991 में आया था। अलाउइंग इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर टू राइज फंड्स इन फॉरेन मार्केट, ये जो भी कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह है उनको अलाउ करता है कि वो फॉरेन मार्केट से आसानी से पैसा उठा सकते हैं डीआर जीडीआर एफसीसीबी का यूज करके। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए, फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, लाइक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इनमें रिफॉर्म्स लाए गए। लिबरल हेल्थ सेफ इन्वायरमेंट वगैरह प्रोवाइड वगैरह किया गया ताकि जो स्कैम्स वगैरह हैं उनको हटाया जा सके। तो ये रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए थे ताकि जो भी ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में उसको प्रमोट वगैरह किया जा सके। तो इससे आगे ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है, इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।